हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए हेल्दी और टेस्टी चने की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। चना बनाने के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम चने को 5 घंटे पानी में सोख करके लिया चना है। बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई। अब इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। हमारा कढ़ाई गरम हो गया है। अब हम इसमें कुकिंग हम ऑयल इसमें डालेंगे। 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें हमारा खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। तेज पत्ता ऐड करेंगे। दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे। जावित्री ऐड करेंगे। और इलायची ऐड करेंगे। इसमें हमारे कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। और अब हम इसे मिला लेंगे। इसे इस तरह मिला मिला के हम भून लेंगे जब तक हमारे ऑनियन का कलर डार्क ना हो जाए। ये देखिए, हमारे प्याज का कलर डार्क हो गया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का दरदरा पेस्ट बना लिया है। और इसे भी हम इस तरह से मिला के भून लेंगे। देखिए, हमारे प्याज का कलर डार्क होने लगा है। अब इस टाइम पे हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम कम करके हम इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। और हम इसे 1 मिनट के लिए मिला लेंगे ताकि जब हम इसमें मसाले अपने ऐड करें तो हमारे मसाला जले ना। टमाटर डालने के बाद गैस का फ्लेम कम करके ही रखें। ये देखिए, हमारे टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। अब हम इसमें हमारा मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 बड़ी चम्मच धनिया ऐड करेंगे, धनिया पाउडर। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। आधा चम्मच से भी कम हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कीजिए। आधा चम्मच से भी कम मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और अब हम इसे मिला लेंगे। ये चना बनाने के लिए हम इसमें ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करना है। ये चना बहुत इजीली बन जाता है दोस्तों, आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, हमारे मसाले अच्छे तरह से पक गए हैं। हमें इसे ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमारे मसाले कितने अच्छी तरह से भुन गए हैं। और हमारे मसालों से तेल भी बाहर आ गया है।
अब इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह मिला लेंगे। आप इस तरह से मिलाते हुए हाई फ्लेम पे 1 मिनट भून लें। 1 मिनट हो गया है दोस्तों, अब हम इसमें हमारा चना ऐड करेंगे। चना ऐड करने के बाद इसे भी हम मिला लेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे फिर एक बार हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखें, हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम ढक करके पकने देंगे। अब इसे हम ढक करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद हम इसे एक बार चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा चना कितनी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिल गया है। इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अभी हमारा चना अच्छी तरह से भुन गया है मसालों के साथ। अब हम इसमें डेढ़ कप गरम पानी ऐड करेंगे। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। एक बार चेक कर लेंगे। हमारे मसाले और चने से तेल ऊपर की ओर आ गया है। अब हम इसे एक बार मिलाकर चेक कर लेंगे। आप चने को इस तरह से चम्मच से ही प्रेस करते हुए चेक कर ले कि हमारा चना पका है कि नहीं। अभी हमारा चना नहीं पका है। हम इसे 10 मिनट के लिए ढक करके मीडियम आंच पे पकने देंगे। आप देख ले कि आपको इसमें कितनी ग्रेवी चाहिए। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम हो गया है तो आप इस टाइम पे और 1 कप गर्म पानी ऐड करके इसे ढक कर 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने दें। आप इसमें ध्यान रखें कि आप इसमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें, वरना हमारे चना थोड़े से हार्ड हो जाएंगे।
मैं इसमें अभी और 1 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढक देंगे, आपको चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे चना ने कितनी अच्छी तरह से तेल को छोड़ दिया है। अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसे एक बार फिर से चने को चेक कर लेंगे। हमारा चना अच्छी तरह से पक गए हैं। इस टाइम में हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले भी गरम मसाला ऐड किया है, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमारे चना कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हमें इसे और 2 मिनट पकने देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारी चना की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसे पराठा के साथ सर्व किया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।